हाय, मैं हूं मयम और इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा क्वेचुआ फोरक्लास 50L बैकपैक। फोरक्लास 50L एक बैकपैक है जिसे फ्रेंच आउटडोर स्पोर्ट्स ब्रांड क्वेचुआ बनाता है। इस बैकपैक की स्टोरेज कैपेसिटी 50L है। इसे आप आउटडोर एडवेंचर एक्टिविटी जैसे ट्रैकिंग में यूज कर सकते हैं। इसकी इजी एक्सेसिबिलिटी की वजह से आप इसे एक ट्रैवल बैकपैक के जैसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल स्पेसिफिकेशन की। बैकपैक पॉलिएस्टर मटेरियल का बना हुआ है और इसका खाली वेट लगभग 1.5 किलो है। बैकपैक का फिजिकल डायमेंशन है 62 सेंटीमीटर हाइट, 32 सेंटीमीटर वेट और 24 सेंटीमीटर डेप्थ। फुली लोडेड बैग का मैक्सिमम लोड कैपेसिटी लगभग 15 किलो है। क्योंकि इसमें यूज हुए हाई क्वालिटी फैब्रिक मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग के समय कड़ी टेस्टिंग की वजह से कंपनी इस बैग पे 10 साल की वारंटी देता है। अब बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। फोरक्लास 50L बैकपैक में डुअल ओपनिंग है दोनों फ्रंट साइड और साथ ही ट्रेडिशनल टॉप साइड। बैकपैक के बाहर की तरफ 3 कंपार्टमेंट हैं, एक टॉप में और बाकी के दोनों साइड में। बाहर का टॉप कंपार्टमेंट सबसे स्पेशियस है सभी आउटर कंपार्टमेंट में। यहां आप सबसे हैंडी और क्विक एक्सेस आइटम जैसे सनग्लासेस, सनस्क्रीन, मोबाइल चार्जर के साथ ही कुछ एनर्जी बार और स्नैक्स के पैकेट आसानी से रख सकते हैं। बैकपैक के साइड कंपार्टमेंट में भी पर्याप्त स्पेस है। बैकपैक में 3 मेश कंपार्टमेंट है, एक फ्रंट साइड में और बाकी के 2 साइड में। ट्रेडिशनल टॉप लोडिंग में हाई क्वालिटी प्लास्टिक बकल दिया हुआ है। जैसे ही आप टॉप खोलेंगे आपको एक एडजस्टेबल टाइटनिंग स्ट्रिंग मिलेगा ताकि अंदर के कंपार्टमेंट का सामान सिक्योर रहे। टॉप लोडिंग से आप आसानी से अपने हिसाब से चीजें को रख सकते हैं। टॉप लोडिंग के अलावा फोरक्लास 50L में फ्रंट लोडिंग का ऑप्शन भी है। इनर कंपार्टमेंट के इजी एक्सेस के लिए 3 जिपर दिए हुए हैं जिसे आप अपने ही नीड के हिसाब से एडजस्ट करके और यूज कर सकते हैं। अब बैग के अंदर की तरफ चलते हैं। इसके मेन इनर कंपार्टमेंट में टोटल कैपेसिटी का 90% से भी ज्यादा स्पेस है। अंदर के मेन कंपार्टमेंट में एक छोटा जिपर कंपार्टमेंट भी है जहां पर आप अपने इंपॉर्टेंट चीज सेफली रख सकते हैं। मेन कंपार्टमेंट के पीछे की तरफ एक बड़ा कंपार्टमेंट सेक्शन है जो कि बैग के पूरे लेंथ तक है। ट्रेडिशनली इस कंपार्टमेंट में वाटर बैग रखा जाता है पर आप इसे अपने नीड के हिसाब से यूज कर सकते हैं। मेन कंपार्टमेंट के वॉटर पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं एक डिटैचेबल फैब्रिक पीस की मदद से। इस पार्टीशन को आप यूज कर सकते हैं अपने गंदे आइटम्स को अलग रखने के लिए। अब चलते हैं रक्सैक के मेन कंपार्टमेंट की तरफ, उसके बैक साइड। फोरक्लास 50L में आपको अच्छी क्वालिटी का पैडेड स्ट्रैप मिलेगा जो कि अच्छी कंफर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसके डिजाइन की वजह से। बैकपैक में टोटल 3 स्ट्रैप दिया हुआ है। पहला ट्रेडिशनल एडजस्टेबल शोल्डर स्ट्रैप है दोनों शोल्डर्स के लिए। यह बैग का मेन स्ट्रैप है जिसे बैग का पूरा वेट उठाया जाता है। स्ट्रैप बहुत ही स्टडी और कंफर्टेबल है उसके अंदर के एरिया में फोम पैडिंग की वजह से। पैडिंग शोल्डर से लेकर अपर बैक तक जाता है। शोल्डर स्ट्रैप के अंदर की तरफ आपको एक वेलक्रो स्ट्रैप दिया हुआ है
जिसे आप शोल्डर स्ट्रैप को अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। शोल्डर स्ट्रैप्स के सामने की तरफ एक एडजस्टेबल चेस्ट स्ट्रैप दिया हुआ है बकल के साथ। ये स्ट्रैप आपके दोनों शोल्डर स्ट्रैप को पास में रखता है जिससे अच्छा सपोर्ट मिलता है। इन स्ट्रैप्स के अलावा एक एडजस्टेबल वेस्ट स्ट्रैप भी है जो कि बैक के वेट को शोल्डर से लोअर बैक में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। स्ट्रैप्स के अंदर की तरफ अच्छी तरह से फोम पैडिंग है। स्ट्रैप्स के राइट साइड में एक छोटा पाउच कंपार्टमेंट है, इसे आप यूज कर सकते हैं जल्दी के एक्सेस वाले आइटम जैसे कॉइन्स की, कुछ कैश या एक छोटा स्मार्टफोन को रखने के लिए बिना बैग उतारे। स्पाइन के बेटर सपोर्ट और वेट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक फ्लैट मेटल रॉड दिया हुआ है इनर कंपार्टमेंट सेक्शन के अंदर। उसके अलावा फोरक्लास 50 लीटर में दो होल्डिंग स्ट्रैप्स हैं रक्सैक के इजी हैंडलिंग के लिए, एक टॉप में और दूसरा सामने की तरफ। दोनों स्ट्रैप्स की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही हाई और ये आसानी से फुली लोडेड बैग का वजन उठा लेते हैं। अब मैं आपको कुछ एडिशनल फीचर्स के बारे में बताऊंगा। टॉप कंपार्टमेंट के ऊपर एक एडजस्टेबल स्ट्रिंग दिया हुआ है जहां पे आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीज रख सकते हैं। बैकपैक के साइड में एक स्ट्रिंग स्ट्रैप भी है जिसे हाइकिंग पोल रखने के लिए यूज कर सकते हैं। बैकपैक के नीचे की तरफ एक स्ट्रैप माउंट है एडिशनल स्ट्रैप्स को ऐड करने के लिए। अब मैं बात करना चाहूंगा रक्सैक के कुछ प्रोस और कॉन्स की। बात करें प्रोस की तो रक्सैक में फ्रंट एक्सेस है मेन कंपार्टमेंट के लिए जो कि काफी टाइम बचाता है और एफर्ट भी नीचे के सामान तक पहुंचने के लिए। रक्सैक के मेन कंपार्टमेंट में काफी स्पेस है, आप आसानी से हफ्ते लंबी बैकपैकिंग ट्रिप का सामान रख सकते हैं। रक्सैक की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है जिसके वजह से इसमें 10 साल की वारंटी है। रक्सैक के कुछ कॉन्स भी हैं। रक्सैक में लॉकेबल जिपर नहीं है, बस एक स्ट्रिंग दिया हुआ है जिपर को ऑपरेट करने के लिए। साइड के मेस कंपार्टमेंट का यूज ना के बराबर है। जब साइड कंपार्टमेंट में सामान भरा हुआ हो तो साइड के मेस कंपार्टमेंट के लिए जगह नहीं बचता। अब समय है फोरक्लास 50 लीटर रक्सैक को मयम स्केल में रेट करने का। रक्सैक को आसानी से दोनों टॉप और फ्रंट से एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए मैं 5 स्टार्स दूंगा एक्सेसिबिलिटी के लिए। मेन कंपार्टमेंट में टोटल कैपेसिटी का 90% से ज़्यादा स्पेस है, इसलिए मैं मेन कंपार्टमेंट लोड कैपेसिटी के लिए 4.5 स्टार्स दूंगा। बाहर के बाकी कंपार्टमेंट्स में 3 लीटर से ज़्यादा स्पेस है, इसलिए मैं 3.5 स्टार्स दूंगा अदर कंपार्टमेंट लोड कैपेसिटी के लिए। बिल्ड और मटेरियल क्वालिटी काफ़ी हाई है जिसकी वजह से इसमें कंपनी 10 साल की वारंटी देता है, इसलिए मैं 5 स्टार्स दूंगा बिल्ड क्वालिटी के लिए। स्ट्रैप अच्छी तरह पैडेड है फोम से और बहुत ही कंफर्टेबल है, इसलिए मैं स्ट्रैप्स कंफर्ट के लिए 4 स्टार्स दूंगा। फोम कुशनिंग और अंदर के सेंटर में फ्लैट मेटल रॉड की वजह से रक्सैक फुल बैक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसलिए मैं 5 स्टार्स दूंगा बैक सपोर्ट के लिए। बैकपैक में स्ट्रिंग्स है हाइकिंग पोल को होल्ड करने के लिए। टॉप में एडजस्टेबल स्ट्रिंग भी है और नीचे की तरफ स्ट्रैप माउंट दिया हुआ है एडिशनल स्ट्रैप्स लगाने के लिए, इसलिए मैं 3 स्टार्स दूंगा एडिशनल फीचर्स के लिए। आप आसानी से फुली लोडेड रक्सैक को 5 से 6 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, इसलिए मैं 1.5 स्टार्स दूंगा कैरिंग कंफर्ट के लिए। इसके प्राइस पॉइंट में आपको बहुत से अच्छे फीचर्स और हाई बिल्ड क्वालिटी मिलता है, इसलिए मैं 5 स्टार्स दूंगा वैल्यू फॉर मनी के लिए। मैं इस रक्सैक को हाईली रिकमेंड करूंगा अगर आप बिगिनियर हैं और मल्टीपर्पज रक्सैक ढूंढ रहे हैं इस प्राइस रेंज और कैपेसिटी में, इसलिए मैं 5 स्टार्स दूंगा माय ओवरऑल ओपिनियन के लिए। आखिर में सारे क्राइटेरियाज का एवरेज निकालने के बाद मैं
Quechua Forclaz 50L backpack ko chaas taas dunga mayam scale mein. आशा करता हूँ मेरे इस रिव्यू और रेटिंग से आपको इस रक्षा के बारे में ओवरव्यू मिल गया होगा। फोकलेस 50 लीटर बैकपैक के प्राइस और डिटेल्स जानने के लिए मेरे आर्टिकल जरूर पढ़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ट्रैवल से जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे ब्लॉग www.imm.com जरूर देखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ मयम और आपसे अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। मुझे बताइए आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबाएं ताकि मेरी अगली ट्रैवल से जुड़ी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले।